कंगना रनौत और शिवसेना में बढ़ते तनाव के बीच आज बीएमसी ने कंगना के मुंबई स्थित उनके ऑफिस पर अवैध निर्माण के चलते बुलडोजर चला दिया। कंगना ने हाल ही में ट्वीट कर बताया था कि उनका ये ऑफिस 48 करोड़ रुपए का है, जिसे कंगना ने 15 सालों की मेहनत और लगन से बनाया था। आज कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी के कर्मचारियों ने उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दी। बाद में भले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी के इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया हो, लेकिन तब तक कंगना का सपनों का ये आशियाना मलबे और मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका था। आइए आपको दिखाते हैं कंगना के इस आलिशान ऑफिस की कुछ बेहद खास तस्वीरें। अभिनय के अलावा कंगना को निर्देशन में भी रुचि है, यही वजह है कि उन्होंने खुद का एक ऑफिस बना रखा है। ये ऑफिस कंगना के प्रोडक्शन हाउस का है, जिसका नाम है मणिकर्णिका फिल्म्स। इसका नाम उन्होंने अपनी फिल्म मणिकर्णिका के नाम पर रखा था। कंगना की ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने अभिनय करने के अलावा सह निर्देशन भी किया था। मुंबई में बना ये ऑफिस एक शानदार वर्क प्लेस है, जिसका इंटीरियर देखने लायक है। कंगना के इस ऑफिस में फर्नीचर से लेकर वॉल डिजाइन तक हर चीज को बारीकी से डिजाइन किया गया है। कंगना रनौत के इस ऑफिस को बनाने के लिए मुंबई के पाली हिल्स स्थित बंगलो नंबर 5 का पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। कंगना रनौत के इस ऑफिस को सेलिब्रिटी डिजाइनर शबनम गुप्ता ने डिजाइन किया है। कंगना का ये ऑफिस मिडिवल टाइम्स और यूरोपियन स्टाइल से प्रेरित है। कंगना ने हाल ही में अपने ऑफिस का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके ऑफिस को पूरी तरीके से प्लास्टिक फ्री बनाया गया है। साथ ही स्टूडियो में कस्टमाइज्ड और हैंडमेड फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। वुडन फ्लोर और टेक्सचर्ड वॉल के जरिए ऑफिस को एथनिक लुक भी दिया गया है। कंगना ने अपने ऑफिस में पॉजिटिविटी लाने के लिए खूब सारी ग्रीनरी का भी इस्तेमाल किया है। कंगना के स्टूडियो की कीमत 48 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारत पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।